hello students welcome to our class in our last lecture we had discussed about erosion and deposition we have also read about work of a river in this process today we will start with work of sea waves right so let us start सी वाटर परफॉर्म्स इरोजनल एंड डिपोजिशनल वर्क थ्रू सी वेव्स जो सी वाटर है वो भी इरोजन का और डिपोजिशन का काम करता है सी वेव्स के द्वारा इट इज़ ऑल्सो एडिड बाय करंट्स टाइड्स एंड स्टॉम्स और इनकी हेल्प कौन करता है सी करंट्स सी टाइड्स और वेव्स और सी स्टॉम द वर्क ऑफ सी वेव्स इज ऑल्सो नोन एज मैरिन इरोजन एंड मैरिन डिपोजिशन जो वर्क करती हैं सी वेवस जो समुद्र की लहरें जो काम करती हैं उन्हें मैरिन इरोजन या मरीन डिपोजिशन भी कहा जाता है इट इज़ कन्फाइंड टू अरो बेल्ट अलॉन्ग द कोस्ट ये एक नेरो बेल्ट के साथ साथ होता है एक कोस्ट में कोस्ट क्या होता है बंदरगाह द इरोजनल एंड डिपोजिशनल वर्क ऑफ सी वेव्स गिव राइज टू कोस्टल लैंडफ़ॉर्म जो इरोजन होता है या जो डिपोजिशन का काम होता है ये कोस्टल लैंड फॉर्म्स को राइज करती हैं उनका लेवल ऊपर कर देती हैं स्ट्रोंग सी वेव्स डैश अगेंस्ट द कोस्ट एंड डिजोल्व और ब्रेक डाउन द रॉक इन टू फ्रेगमेंट्स जो स्ट्रोंग सी वेव्स होती हैं वो कोस्ट में जाके लगती हैं वहाँ के जो रोक्स हैं उन्हें फ्रेगमेंट्स में छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देती हैं मैनी लार्ज एंड स्मॉल क्रैक्स डेवलप ऑन द रोकी सरफेस। बहुत सारी लार्ज और स्मॉल क्रैक्स हैं वो रोकी सरफेस पे डेवलप होती हैं इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम टाइम के साथ साथ दीज क्रैक्स बिकम वाइड एंड फॉर्म लार्ज कैविटीज ये क्रैक्स बड़ी होती जाती हैं और बहुत बड़ी बड़ी कैविटीज बनाती हैं विथ द कंटिन्यूस एक्शन ऑफ सी वेव दीज कैिटीज डेवेल्प इन टू सीटिन्यूस एक्शन होता है सी वेव्स का तो ये कैविटीज बनाती हैं जिन्हें सी केव कहा जाता है ये वाली पोजिशन को देखिए ये जो पोजिशन है ये सी केव है जब ये हार्डलैंड के थोड़ा और पास पहुंच जाती है दिस इज सी आर एंड दिस इज सी स्टैक राइट When a headland projecting into the sea is attacked by sea waves from both side a thorough passage is created. This is called a sea arch. jab jo headland project hai जो कि sea में है, उसपे sea waves दोनों side से attack करने लगती हैं, तो एक पूरा passage बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, sea arch. When the roof of the sea arch is further eroded. जब रूफ भी अलग हो जाती है बिल्कुल उससे अलग हो जाती है इट कोलैप्सिस तो वो गिर जाती है खत्म हो जाती है द पिलर्स ऑफ रॉक्स आर लेफ्ट स्टैंडिंग इन द ओपन वाटर तो पिलर्स होते हैं जो रॉक्स के वो खड़े रह जाते हैं पानी में दीज आर कॉल्ड स्टैक्स इन्हें क्या कहा जाता है स्टैक्स अ स्टीप वर्टिकल वॉल फेसिंग द सी इज कॉल्ड अ सी क्लिफ एक स्टीप बहुत तीखी सी जो वॉल है जो सी की तरफ फेस करके खड़ी रहती है उसे क्या कहा जाता है सी क्लिफ द डिपोजिशनल वर्क ऑफ द सी वेव्स इज अ स्लो प्रोसेस जो डिपोजिशन है सी वेव्स के द्वारा ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है बीचेस आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सैंड ग्रेवल एंड पेबल्स ऑन द शोर बीचेस कैसे बनते हैं जो वेव्स हैं वो सैंड ग्रेवल और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेबल्स लाती है किनारों पे बहा के उनके द्वारा बीचेस बनाए जाते हैं दे आर जनरली फॉर्म्ड वेन द सी इज काम एंड विंड्स आर ऑफ लो विलोसटी और वो अपना काम कब करते हैं जब सी शांत होता है और विंड्स की विलोसटी भी कम होती है वैन द ब्रोकन रोक मटीरियल्स आर डिपोजिटेड ऑन द सी फ्लोर नियर द कोस्ट सैंड बार्स आर फॉम्ड जब ब्रोकन रॉक मटेरियल है जो वो सी फ्लोर के नियर डिपोजिट हो जाता है कोस्ट में सी फ्लोर के नियर डिपोजिट हो जाता है तो क्या बनता है सैंड बार्स ये देखिए ये वाला जो एरिया है आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं सैंड बार्स समटाइम्स द सी वाटर इज एनक्लोज बिटवीन द कोस्ट एंड सैंड बार कई बार क्या होता है जो सी वाटर होता है वो कोस्ट और सैंड बार के बीच में आ जाता है इट देन बिकम्स अ पार्शली एंड क्लोज लेक तो ये एक पार्शली एंड क्लोज लेक बन जाती है विच इज कॉल्ड लगुन वर्क ऑफ मूविंग आइस मूविंग आइस है जो वो क्या क्या काम करती है द स्नो विच फॉल्स इन हाई एल्टीट्यूड्स एंड हाई लैटिट्यूड्स अक्यूम्यूलेट्स टू फॉर्म स्नो फील्स हायर एल्टीट्यूड्स में मतलब जितना हम ऊपर की तरफ जाएंगे और लैटीच्यूड्स में जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे वहाँ पे स्नो फील्ड्स होते हैं द स्नो फील्ड्स आर सिचुएटेड अबव द स्नो लाइन स्नो फील्ड्स कहाँ हैं स्नो लाइन के ऊपर द रिवर ऑफ स्नो एंड आइस विच मूव वेरी स्लोली इज कॉल्ड अ ग्लेशियर एक रिवर जो स्नो और आइस से मिल बनी है और जो बहुत स्लोली मूव होती है उसे क्या कहा जाता है ग्लेशियर ग्लेशियर्स फ्लो आउट फ्रॉम द स्नो फील्ड्स ग्लेशियर्स कहाँ से फ्लो के आते हैं कहाँ से बहकर आते हैं स्नो फील्ड में से लाइक एनी अदर एजेंट द वर्क ऑफ अ ग्लेशियर इज इरोजन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन बाकी के सभी एजेंट्स की तरह ही जो ग्लेशियर्स हैं उनका काम भी क्या है पहले इरोजन करना फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना और फिर डिपोजिट करना अ ग्लेशियर कैन मॉडिफाई एंड समाइम्स टोटली रिमूव द existing landforms and substitute them with new and different ones. jo glacier है वो modify भी कर सकता है और कई बार पूरी तरह से remove कर देता है जो existing landforms हैं उन्हें और उनकी जगह पे बिल्कुल डिफरेंट और नए landforms को बना देते हैं जैसे आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं ड्यूरिंग ग्लेशियर ग्लेशियर के दौरान लैंडफॉर्म्स कैसे थे और ग्लेसिएशन के बाद का व्यू है वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है प्योर आइस इट्स सेल्फ कैन नॉट डू मच वर्क जो सिर्फ आइस है वो अपने आप में ज्यादा काम नहीं कर सकती वेन द ग्लेशियर पासिस थ्रू अ वैली जब एक ग्लेशियर एक वैली से होके गुजरता है रोक फ्रेगमेंट्स फॉल इन टू मूविंग आइस फ्रॉम द स्लोप तो रॉक के जो फ्रेगमेंट्स हैं छोटे छोटे टुकड़े हैं वो मूविंग आइस में गिर जाते हैं माउंटेन की स्लोप्स पे से इट ऑल्सो पिक्स अप रॉक पीसेज फ्रॉम द वैली फ्लोर जो वैली के फ्लोर पे रॉक के टूटे हुए पीसेज पहले के हैं वो उनको भी साथ में ले जाती है दीज रॉक्स एक्ट एज टूल्स ऑफ इरोजन और ये रॉक्स क्या काम करते हैं टूल्स बन जाते हैं इरोजन के लिए दीज रॉक्स रब अगेंस्ट द साइड्स एंड द वैली फ्लोर जो ये टुकड़े होते हैं ये रब होते हैं जो साइड्स हैं वैली की और जो उसका फ्लोर है उस पर लगातार रब होते रहते हैं पानी के फ्लो के साथ साथ बर्फ के फ्लो के साथ साथ दिस क्रिएट्स अ यू शेप्ड वैली विद अ फ्लैट बॉटम एंड ऑलमोस्ट वर्टिकल साइड जिसकी जो बॉटम है यू शेप्ड वैली बनाते हैं जिसकी जो बॉटम है वो फ्लैट होती है और जो साइड्स हैं वो वर्टिकल होती हैं द ग्लेशियर काव्ज आउट डीप होलोज अलोंग द स्लोप ऑफ अ माउंटेन जो ग्लेशियर हैं वो डीप होलोज यानी कि खाली जगह बना देता है माउंटेन की स्लोप के साथ इट डवेल्प्स एन आम चेयर लाइक डिप्रेशन इसे एक आम चेयर होती है जैसे वैसे ही एक स्ट्रक्चर ये बना देता है जिसे क्या कहा जाता है वैन ग्लेशियर आइस मेल्ट जब ग्लेशियर की जो आइस होती है वो मेल्ट होती है द डिप्रेशन इज फिल्ड अप लेक जो डिप्रेशन है जो खाली जगह बनी होती है वो पानी से भर जाती है और एक लेक बनाती है तरन वेन द ग्लेशियर स्टार्ट मेल्टिंग इट्स कपेसिटी टू कैरी लोड इज रिड्यूस्ड जब ग्लेशियर मेल्ट होना शुरू हो जाता है तो इसकी जो कपेसिटी है पानी को कैरी करने की वो कम हो जाती है रॉक मटीरियल्स आर डिपोजिटेड ऑन द साइड्स एंड फ्लोर ऑफ द वैली जो रॉक मटीरियल है वो डिपोजिट हो जाते हैं वैली की साइड्स पे और फ्लोर पे दीज डिपॉजिट फॉर्म ग्लेशियल मरेनिज वर्क ऑफ विंड विंड का क्या काम है विंड इज द मोस्ट इफेक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन इन डेजर्ट्स डेजर्ट्स में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एजेंट है जो इरोजन का वो विंड है इन द एबसेंस ऑफ मॉइस्चर क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर नहीं होता रॉक फ्रेगमेंट्स लाए लूज ऑन द सर्फिस जो रॉक फ्रेगमेंट्स हैं वो लूज होते हैं सर्फिस पे मोर ओवर द एबसेंस ऑफ वेजिटेशन इन द डेजर्ट ऑल्सो एनेबल्स द विंड टू ब्लो फ्रीली जो एबसेंस है वहाँ पे वेजिटेशन ज़्यादा नहीं होती है मरुस्थल में रेगिस्तान में तो जो हवा है वो ज़्यादा फ्रीली ब्लो कर सकती है अ स्ट्रोंग विंड कैरीज विद इट अ लार्ज अमाउंट ऑफ सेंड डस्ट पार्टिकल्स एंड ग्रेवल एक जो स्ट्रोंग विंड होती है बहुत तेज हवा होती है वो अपने साथ सेंड डस्ट पार्टिकल और ग्रेवल साथ लेके चलती है दीज लूज मटीरियल्स एक्ट एज अ टूल इन इरोडिंग द रॉक्स जो ये लूज मटीरियल हैं ये रॉक्स को रॉक्स के इरोजन में बहुत काम करते हैं द वॉक ऑफ द विंड इज लिमिटेड टू अ फ्यू मीटर्स अबव द ग्राउंड जो विंड का काम है वो ग्राउंड से कुछ मीटर ऊपर तक ही काम कर सकती है दिस इज बिकॉज द विंड इज़ अनएबल टू कैरी द रॉक पार्टिकल्स हाई अप इन द एयर ऐसा क्यों है क्योंकि वो रॉक पार्टिकल्स को वो तो हैवी होते हैं रॉक पार्टिकल्स वो उसको हाईली नहीं लेके जा सकती एयर में ज़्यादा ऊपर तक नहीं उठा सकती हैं नीयर द ग्राउंड इट्स वर्क स्लोज डाउन ड्यू टू द फ्रिक्शन विद द सर्फेस और ग्राउंड के पास भी इसका वर्क स्लो हो जाता है क्योंकि इसकी फ्रिक्शन होती है सर्फेस के साथ देआर फोर द आइडियल हाइट इज अबाउट ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर टू सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर तो आइडियल हाइट क्या है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर टू सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड द विंड इरोड्स द लोअर पार्ट ऑफ द रॉक मोर दैन द अपर पार्ट जो विंड है वो जो लोअर पार्ट है उसका इरोजन ज़्यादा करती है कंपेरेटिवली टू अपर पार्ट सच रॉक्स हैव अ अरो बेस एंड अ ब्रॉड टॉप इससे जो बेस होता है वो नैरो हो जाता है थोड़ा सा तंग हो जाता है और टॉप होता है जो वो बहुत बड़ा होता है दे आर कॉल्ड मशरूम रॉक्स द डिपोजिशनल वर्क ऑफ विंड स्टार्ट वैन इट्स स्पीड डिक्लाइंस और सम ऑब्स्ट्रक्शन लाइक ट्रीज बुशज फॉरेस्ट बिल्डिंग्स एक्सेट्रा कम इन इट्स वे जो डिपोजिशनल वर्क है विंड का वो स्टार्ट होता है जब इसकी स्पीड कम होती है या रस्ते में कोई रुकावट आती है जैसे कि ट्री बुशज फॉरेस्ट बिल्डिंग्स द फाइन डस्ट पार्टिकल्स डिपोजिटेड एक्सटेंसिवली इज नोन एज लोस जो फाइन डस्ट हैं वो डिपोजिट होते हैं उसे क्या कहा जाता है लोस इट इज पोरस एंड रिवर्स कट डीप वैलीज थ्रू इट पोरस का मीनिंग क्या होता है सोयल थ्रू विच वॉटर कैन ईजिली सीप अंडरग्राउंड ऐसी मिट्टी जिसमें से पानी इज़ीली नीचे जा सके एंड रिवर्स कट डीप वैलीज फ्लोइड और बाद में रिवर्स इसके थ्रू ही बहुत गहरी घाटियाँ बना सकती हैं द मोस्ट एक्सटेंसिव डिपोजिट्स आर इन नॉर्थ चाइना सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव जो डिपोजिट्स हैं वो कहाँ पर हैं नॉर्थ चाइना में द कोर्स पार्टिकल्स आर डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ हिलोक्स नोन एज सैंड जो बाकी का कोर्स रफ मटीरियल होता है ठीक है वो डिपॉजिट हो जाता है लोक्स की फॉर्म में जिन्हें हम क्या कहते हैं सैंड सैनडून्स दे आर फॉर्म्ड वेन देअर इज समब्रक्शन इन द पाथ ऑफ द विंड वो कब बनते हैं जब विंड के पाथ में कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है कोई रुकावट होता है सैंड सेंडून्स वेरी इन हाइट फ्रॉम अ फ्यू मीटर्स टू एज मच एज थ्री हंड्रेड मीटर जो सेंडून्स हैं उनकी हाइट अलग अलग होती है थ्री हंड्रेड मीटर तक हो सकती है द विंड वॉर्ड स्लोप इज जेंटल जो विंड वॉड wind की डायरेक्शन में स्लोप होती है वो जेंटल होती है वाइल द ली वॉर्ड स्लोप इज स्टीप जो दूसरी डायरेक्शन में होती है वो स्लोप होती है जो वो स्टीप होती है सीधी होती है सैन डून्स आर जनरली फॉर्म्ड इन ग्रुप्स ये अक्सर ग्रुप्स में बनते हैं सैन डून्स हैव अ टेंडेंसी टू माइग्रेट स्लोली इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड ये इनकी नेचर क्या होती है कि विंड के साथ साथ ये माइग्रेट हो जाते हैं दूसरी जगह पे चले जाते हैं दिस कैन बी हार्मफुल ये हार्मफुल भी हो सकते हैं एस एग्रीकल्चर फील्ड्स, ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड फोरेस्ट कैन बी अंडर। क्योंकि इसके नीचे कोई भी चीज सैंड कवर के नीचे कोई भी चीज बरी हो सकती है दब सकती है तो इसलिए ये हार्मुल भी होते हैं सो स्टूडेंट हेअर दिस चैप्टर एंडस I hope you have understood this chapter. Now I am forwarding you one assignment. Please solve it and submit it to me. Okay? Take care. Goodbye.